अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज जो हमारा टॉपिक है वो है इम्पोर्टेंस ऑफ बायोडायवर्सिटी, राइट? सो येस्टरडे वी टॉक्ड अबाउट बायोडायवर्सिटी एंड इट्स लेवल, सो टुडे वी विल बी टॉकिंग अबाउट इम्पोर्टेंस ऑफ बायोडायवर्सिटी। सो लेट्स सी इम्पोर्टेंस ऑफ बायोडायवर्सिटी। बच्चों आपको पता है बायोडायवर्सिटी प्लेज फॉलोइंग रोल्स, तो बायोडायवर्सिटी जो है ये तीन रोल्स फॉलो करती है, तीन रोल्स इसके हैं, एक है इकोलॉजिकल रोल, इकोनॉमिक रोल और साइंटिफिक रोल। सो तीन रोल्स हैं बायोडायवर्सिटी के। सो लेट अस सी द फर्स्ट वन, इकोलॉजिकल रोल ऑफ वर्ल्ड। एवरी ऑर्गेनिज्म बिसाइड्स एक्सट्रैक्टिंग इट्स नीड्स, तो हर एक ऑर्गेनिज्म जो है ये एक्सट्रैक्ट कर रहा है अपनी नीड्स, कहाँ से करता है? इकोसिस्टम से, राइट? ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूट समथिंग यूजफुल टू अदर ऑर्गेनिज्म इन इकोसिस्टम, ये कुछ न कुछ जो है समथिंग यूजफुल किन को अदर ऑर्गेनिजम्स को कॉन्ट्रीब्यूट करता है, राइट? हाँ, ये स्पीशीज़ कैप्चर एंड स्टोर एनर्जी, जो ये स्पीशीज़ होती हैं ये क्या करते हैं, कैप्चर करते हैं और स्टोर एनर्जी करती हैं, प्रोड्यूस एंड डिकम्पोज ऑर्गेनिक मेटेरियल, तो ये प्रोड्यूस करती है और डिकम्पोज करती है ऑर्गेनिक मैटर, राइट? मटीरियल्स हेल्प टू साइकिल वाटर, तो साइकिल वाटर को साइकिल करते, यू नो दैट जो ऑर्गेनिज्म जो है वो रेस्पिरेशन के जरिए वाटर को लॉस करते हैं, राइट? इसी तरह से प्लांट्स जो है वो ट्रांसपिरेशन के जरिए वाटर लॉस करते हैं एंड न्यूट्रंट्स थ्रू आउट द इकोसिस्टम, और थ्रू आउट द और न्यूट्रंट्स को साइकिल करते हैं, राइट? तो फिक्स एटमोसफेरिक गैसेज, एटमोसफेरिक गैसेज को फिक्स करते हैं एंड हेल्प रेगुलेट द क्लाइमेट, और क्लाइमेट को क्या रेगुलेट कंट्रोल करने में हेल्प करते हैं। दीज फंक्शंस आर इंपॉर्टेंट फॉर इकोसिस्टम फंक्शन एंड ह्यूमन सर्वाइवल, ये जो फंक्शंस हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है किसके लिए, इकोसिस्टम फंक्शन के लिए और इंसानों के जिंदा रहने के लिए। सो आई होप यू गॉट इट वेरी वेल। स्पीशीज कैप्चर एंड स्टोर एनर्जी, प्रोड्यूस एंड डिकम्पोज ऑर्गेनिक मेटल, हेल्प अस टू साइकिल वाटर वाटर न्यूट्रंट्स थ्रू आउट इकोसिस्टम, फिक्स एटमॉस्फेरिक गैसेस एंड हेल्प रेगुलेट क्लाइमेट, दीज फंक्शंस आर इंपॉर्टेंट फॉर इकोसिस्टम फंक्शन एंड ह्यूमन सर्वाइवल, राइट? So then we have second is economic role of biodiversity. For all human beings, biodiversity is an important resource in day-to-day life. Humans के लिए जो है important, ये biodiversity जो है ये एक important resource है हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में। You know that we eat your food है वो कहाँ से आता है, that come from plants. तो उसको हम क्या कहते हैं, that is called क्रॉप बायोडायवर्सिटी। वन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ बायोडायवर्सिटी इज क्रॉप बायोडायवर्सिटी, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एग्रो बायोडायवर्सिटी, तो इसके दो नाम है, एग्रो बायोडायवर्सिटी भी इसका दूसरा नाम है, राइट? बायोडायवर्सिटी इज सीन एज अ रिजर्वायर ऑफ रिसोर्सेज टू बी ड्रॉन अपॉन द मैन्युफैक्चर ऑफ फूड, फार्माक्यूटिकल एंड कॉस्मेटिक मटीरियल, तो ये बायोडायवर्सिटी जो है ये एक रिजर्वायर ऑफ रिसोर्स है, चाहे आप प्लांट्स लीजिए, एनिमल्स लीजिए, राइट? टू बी ड्रॉन अपॉन फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ, तो हम इन्हें इस्तेमाल करते हैं किस में, मैन्युफैक्चर ऑफ फूड में इस्तेमाल करते हैं, फार्माक्यूटिकल मतलब मेडिसन में, फार्माक्यूटिकल मीन्स मेडिसन, राइट? एंड कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स, जो कॉस्मेटिक क्रीम्स बाकी चीज़ें जो होती है ये भी इनसे बनती है। सम ऑफ द इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक कमोडिटीज दैट बायोडायवर्सिटी सप्लाइज टू ह्यूमन बाय आर, तो क्या क्या चीज़ें जो बायोडायवर्सिटी हमें सप्लाई करती है, इंसानों को सप्लाई करती हैं, वो है दीज आर फूड क्रॉप्स, लाइव स्टॉक, तो लाइव स्टॉक में आपको जानवर आ जाते हैं, छोटे छोटे जानवर आ जाते हैं, फिश फॉरेस्ट्री आती है तो फिश आता है, मेडिसिनल रिसोर्स होता है, एट्सेट्रा, राइट? देन साइंटिफिक रोल ऑफ बायोडायवर्सिटी, बायोडायवर्सिटी इज एन इम्पॉर्टेंट बिकॉज ई स्पीशीज गिव राइज टू गिव्स अस सम क्ल्यू टू हाउ लाइफ इवॉल्व, तो बायोडायवर्सिटी जो है ये हमें क्या बताती है, ये ई स्पीशीज गिव अस सम क्ल्यू, ये एक क्ल्यू देती है कि किस तरह से हाउ लाइफ इवॉल्व, कैसे लाइफ जो है इवॉल्व होती है, एंड विल इवॉल्व एंड विल कंटिन्यू टू इवॉल्व, ये कैसे इवॉल्व होगी, राइट? तो ये कैसे इवॉल्व होती है, ये हाउ इट विल कंटिन्यू टू इवॉल्व, राइट? तो ये कैसे ये आगे कैसे मतलब एवोल्यूशन के का पैटर्न आगे क्या रहेगा, बायोडायवर्सिटी ऑल्सो हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग हाउ लाइफ फंक्शंस, तो हमें ये भी बताता है, ये हमें बताता है कि लाइफ जो है कैसे फंक्शन करती है, एंड द रोल ऑफ ईच स्पीशीज इन सस्टेनिंग इकोसिस्टम ऑफ विच वी आर ऑल्सो स्पीशीज, तो ये जो है कैसे जो ईच स्पीशीज का रोल है उसे इकोसिस्टम कैसे सस्टेन करता है, इकोसिस्टम कैसे ठीक रहता है, राइट? ऑफ विच वी आर ऑल्सो, तो उसके एक स्पीशीज जो है हम भी है, अगर हम लेंगे सारे अर्थ जो है जैसे हम बायोस्फीयर कहते हैं, बायोस्फीयर में आई मीन बायोस्फीयर जहाँ पर लिविंग ऑर्गेनिज्म, तो उसमें इंसान भी रहते हैं, बायोस्फीयर मीन्स बायोस्फीयर इज एन इकोसिस्टम, तो उस इकोसिस्टम में हम भी रहते हैं,
दिस फैक्ट मस्ट बी नोन अपॉन एवरी वन ऑफ अस सो दैट वी लिव एंड लेट अदर स्पीशीज ऑल्सो लिव दियर लाइव। तो ये जो ये हमें हकीकत को तस्लीम करना होगा कि जो बाकी स्पीशीज हमें उनको क्या जिंदा, हम खुद भी जिंदा रहें, उनको भी हमें क्या उन उनके साथ हमें छेड़छाड़ करने की कोई ज़रूरत नहीं है, सो दैट दे कैन ऑल्सो सर्वाइव। सो आई होप यू गॉट इट नाइसली। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।